हम क्या कर रहे हैं यार, जाल हाथ कैमरे से ऊपर निकाल रहे को कौन सी जिम्मेदारी दे रहा है? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहां तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद के पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि चाचा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तुम्हारा चैनल नहीं चलता क्या? बहुत धन्यवाद। लोगों ने सहयोग और समर्थन किया, ऐसा लगता है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलना, जो सिद्धांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिंपल यादव वहां से चुनाव जीती। कल की जीत पे भाजपा आरोप लगा रही कि धनबल का काफी प्रयोग हुआ, करोड़ों रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किया। देखिए, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा? आप ये जानते हो, मैं जानता हूँ ये बात नहीं आप कहोगे, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो। मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने में ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊंट से बालू निकलवा रहे हैं चंबल से। भाई इटावा में ऊंट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊंट कहां से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते हैं। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था जो नेताजी ने कैमरे से ऊपर निकाल।